छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम की महिमा अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रही है। तो वहीं ऐसे भी भक्त देखने को मिलते हैं जो कि अपने श्रद्धा की वशीभूत होकर अलग अलग तरीके से भगवान बालाजी सरकार के दरबार में बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक दृश्य को देखकर आप विचलित भी हो सकते हैं। ये भक्त उत्तर प्रदेश से बागेश्वर धाम पहुंच रहा है। खास बात यह है कि इसका बिछौना कीलों का है और कीलों के बिछौने पर लेटते हुए दंड भरते हुए ये शख्स बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में अपनी अर्जी देने के लिए पहुंच रहा है। ये क्यों कर रहे हो आप लोग? पीछे रहिए भैया, वहीं रुक जाइए, वहीं रुकिए। क्यों कर रहे हो आपसे मिलने की श्रद्धा जी? बस बालाजी आप लोग वहीं रुकिए, वहीं रुकिए, वहीं पर खड़े हो जाइए। कैसे हो? बहुत आशीर्वाद, सफल करिए। कहाँ से आए? संभल के लिए पांच बार आया हूँ, चार बार पहले दिखा चुका। पैदल आया हूँ क्या? पैदल नहीं, मैं तो इससे ट्रेन से आया था। और अब यहाँ से ये तुम्हारे मन में कैसे भाव आया? मन में ये भाव आया, मैं चार बार जब उसका आया था गुरु पूर्णिमा पे, जब आपकी भाग में चल रही थी, मैं दारू पीता था बहुत, और दारू मेरी छूट गई। अब मन दारू छूट गई, बस मन में ये श्रद्धा की ऐसे जाऊंगा। बस एक इच्छा थी, पहले आप मुझे पैर धुलवा लो और दूसरे मुझे गुरु दीक्षा देंगे आप। ठीक है, देने भी दीक्षा लगती नहीं है जी, लगेंगी तो ऐसा मान लो बालाजी कृपा है। जाओ तुम हमारे साइड में आइए, इधर आइए, साइड आओ, हट जाओ, पीछे रहिए आप लोग। अच्छे से आप बिगड़ना नहीं जी। नहीं बिगड़ूंगा नहीं, गुरु जी मैं गुरु दीक्षा देने ही आया था। मेरी ये मैं ये जाऊंगा, तुम लोग गुरु दीक्षा ही लेकर आऊंगा। ठीक है, हम देते हैं। यहाँ पर ये आए ना, दीक्षा दिलवा दीजिए। कैसे हो सब? बालाजी के पास जा रहे हैं? चलो हम अभी आ रहे हैं, धीरे धीरे जाना। उत्तर प्रदेश के संभलपुर जिले का ये शख्स अपने घर से इस कीलों से भरे बिस्तर पर लेटते हुए दंड भरते हुए बालाजी बागेश्वर धाम पहुंच रहा है। ये उसकी आस्था ही है जिसने इतना कठिन प्रण किया कि वो इस तरीके से वहां पर ऐसी कड़कड़ाती सर्दी में पहुंचेगा और बागेश्वर धाम के दर्शन करेगा। मेरा नाम सोमपाल सिंह है, यूपी का रहने वाला हूं, जिला संभल, गांव हीरापुर। बागेश्वर धाम जा रहा हूं कीलों पर चलकर। ये मेरे मन में श्रद्धा है, कोई मनोकामना मेरे दिल में है जो पूर्ण हो जाए, इसलिए मैं पहले ही जा रहा हूँ। मेरी इस जाने से वो मनोकामना पूर्ण हो जाए, बस इसी वजह से जा रहा हूँ मैं। कितने दिन पहले आप बागेश्वर धाम? मैं बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ हूँ करीब 6-7 महीने से, चार बार पहले भी आ चुका हूँ। पहले मैं दारू वारू पीता था, वो सब छूट गई और बहुत आराम मिला है, इसीलिए मन में श्रद्धा जगी कि ऐसा जाना चाहिए, हो सकता है मनोकामना पूर्ण हो जाए और गुरु जी का आशीर्वाद, बालाजी का आशीर्वाद रहा तो सब काम पूर्ण होंगे। लगभग कितनी कीले इसमें लगी? लगभग 700-750 कीले, 7 किलो वजन है इनमें पूरे में, हाथ से बनवाया हुआ वहीं पे। कहाँ से आप ये बागेश्वर धाम वाला गेट जो बना हुआ है वहाँ से चल रहे हैं और बागेश्वर धाम तक ही जाएंगे, इसी पर चल के। आप पैदल भी जा सकते थे? नहीं नहीं, मेरे मन में एक श्रद्धा आई कि मैं इस पर ही चल के जाऊँ। बालाजी को ऐसा मान लो कोई प्रसाद से भी कुछ करता है, कोई पूजा से कुछ करता है, तो कोई सिद्धि से कुछ करता है, अपनी अपनी मनोकामना। मेरी मनोकामना ये थी गुरु जी से मिलूँ और जाऊँगा तो इस तरह बालाजी महाराज मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। कितनी दूरी है आपका गांव यहाँ से? हमारा गांव यहाँ से 850 किलोमीटर पड़ेगा, ट्रेन से 666 किलोमीटर दिल्ली पड़ती है, दिल्ली से 150 किलोमीटर है। कब निकले थे आप अपने गांव? हम गांव से तो निकले हुए कल के हैं, तो आ गए थे हम ट्रेन से, वहाँ से जो है अभी 7 किलोमीटर का सफर जो है कीलो पे ही तय करना है मुझे। ये सुबह हम करीब 11:40 से चले हुए हैं और चल ही रहे हैं, जब तक पहुँचेंगे चलते ही रहेंगे। बीच बीच में जैसे कोई खाना खाना है या कुछ करना तो आराम ले लेंगे। साथ में कौन कौन है आपके? साथ में एक भाई है हमारे, एक भांजा है, ताऊ जी के लड़के हैं मनोज कुमार सिंह, और ये बिट्टू भांजा है हमारा। आप जब चलते हैं तो कीलें लगती नहीं है? नहीं लगती हैं, शरीर में लगती हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लगा, कोई कुछ पहन थोड़ी रखा है मैंने कि अब लगेंगी नहीं, लगती हैं। बस बालाजी की कृपा है कि पहुँच ही जाएंगे।
ऐसा कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप नहीं चला जा रहे, चला भी जा रहा, बालाजी का आशीर्वाद है।